अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोबाइल स्टूडियो डॉट कॉम। इस वीडियो में हम वीवो वाई 55 की अनबॉक्सिंग करेंगे। अब वीवो ने अपनी ये एक न्यू डिवाइस लॉन्च की और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो 49,999 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है, यानी कि इसकी प्राइस 50,000 रुपये रखी गई है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट मार्केट में ये आपको 46,000 तक देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट से। अब इस स्मार्टफोन की अगर अनबॉक्सिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे लिड देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें यहाँ पे एक सिलिकॉन कवर देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, बट कुछ टाइम बाद ये येलो हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे कवर दिया गया है जो कि एक अच्छा कवर है, तो इसको अप्रिशिएट हम करते हैं। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है और एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर डिवाइस को बाहर निकाल लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डिवाइस मौजूद है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको अनरैप करते हैं और इसकी लुक लेते हैं, तो यहाँ पे आप इसकी फर्स्ट लुक देख सकते हैं जो कि डिज़ाइन है वो एक नया डिज़ाइन दिया गया और वाकई एक खूबसूरत और प्रीमियम डिज़ाइन है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे बैक पे आपको तीन कैमरा देखने को मिल जाते हैं और 3.5mm जैक भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस स्मार्टफोन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिम जो है स्मार्टफोन में ऊपर वाली साइड पर जो है डलती है, तो ऊपर वाली साइड पर यहाँ पे सिम का जैक हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिम इंजेक्ट यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमें जो है वो ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ की है यहाँ पे वीवो ने कि दो सिम्स के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 60Hz की है। 60Hz डिस्प्ले थोड़ी स्लो है, बाकी यहाँ पे ठीक है स्मार्टफोन में। इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें और भी देखने को मिल जाती हैं बॉक्स में, और यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें बॉक्स में तो हमें एक 44W का वीवो का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। 44W पहली बार वीवो जो हमें प्रोवाइड कर रहा है फास्ट चार्जिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो है एक टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाती है। चेक कर लेते हैं कि टाइप सी है वाकई में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइप सी केबल हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैंड फ्री भी हमें वीवो प्रोवाइड करता है, जो कि कोई ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर रही। और यहाँ पे सिम इंजेक्टर टूल भी हमें बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें थी बॉक्स में, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बैक का डिज़ाइन भी आप देखें तो कैमराज यहाँ पे बहुत प्रीमियम नज़र आते हैं, दो आँखों वाला स्मार्टफोन फील होता है यहाँ पे। और स्मार्टफोन को आप देख सकते हैं इसकी यूआई जो है यहाँ पे हमें जो है वो फ्रंट टच ओएस 12 है, एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है, और बिल्कुल स्टॉक लुक है जिस तरह का गूगल का सॉफ्टवेयर होता है गूगल के स्मार्टफोन्स का, उस तरह की स्टॉक लुक हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे अगर इसकी पिक्चर लें हम इसकी कैमरा से, जो कि 50 MP का बैक पे मेन कैमरा है और साथ में 2-2 MP के डेप्थ और माइक्रो लेंस दूसरे दो देखने को मिल जाते हैं। डिटेल्स नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। वीडियो क्वालिटी में सिर्फ 1080p तक यहाँ पे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। 4K देखने को नहीं मिलती, 50,000 का फोन है बट 4K इसमें देखने को नहीं मिलता। फ्रंट पे हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल लुक बहुत अच्छी है, बट इसकी कैमराज एवरेज हैं। तो यहाँ पे ये थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।